हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़े सारे का। हाँ जी, अज आप पढ़ांगे कंप्लीट पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर। जिन्नी भी थोड़ी पंजाब की हिस्ट्री बनती हैगी ते कल्चर का टॉपिक बनता गा सारा कंप्लीट पढ़ांगे। ते आपां पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर दियाँ 7 वीडियो बनावांगे, ठीक है जी। ते 100% उन्हां विचों 12 प्रश्न ही आऊगा। जे वीडियो ध्यान नाल देखोगे तो वीडियो नूं पूरा देखोगे, ठीक है जी। थोड़ा सिलेबस आउट हो चुकिया गा, किन्ने नंबर का हैगा पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर? 20 नंबर का। सो अपनी कोशिश होवेगी भी 18 नंबर घट्टो घट्ट लै जाण, ठीक है जी। घट्टो घट्ट 18 नंबर लै जाण, इस तरह आपां करांगे। ते आपां वीडियो नूं इन्ने वधिया ढंग नाल बनाया गा भी आपां वीडियो नूं अलग अलग भागां विच वंडता। जिवें पंजाब का इतिहास हैगा, पंजाब दी महत्वपूर्ण लड़ाइयां ते लहरां बारे अलग पढ़ांगे। पंजाब का जिहड़ा कल्चर हैगा, मेले त्यौहार पहरावा, ये बारे अलग पढ़ांगे। पंजाब की जिहड़ी एशियंट हिस्ट्री है वो बारे अलग पढ़ांगे। पंजाब के महत्वपूर्ण स्थान वो बारे अलग पढ़ांगे। पंजाब का जिहड़ा भूगोल हैगा, नदियां डैम, इन्हां बारे अलग पढ़ांगे। तो होर जिन्नी भी पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर का टॉपिक हैगा सारा कंप्लीट करांगे। बस वीडियो ध्यान नाल देख लियो, ध्यान नाल सुन लियो, तो वीडियो में पूरा जरूर देख लियो, ठीक है जी। तो चलो जी, फिर आप स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, पहले आप पढ़ांगे पंजाब दी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लहरां बारे। तो प्रश्न नंबर एक देखो, भंगाणी का युद्ध कदों होया? हाँ जी, भंगाणी का युद्ध होया सीगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आजूगा, 1688 विच, ठीक है जी। 1688 विच हुई सी भंगाणी की लड़ाई, तो 2 साल बाद 1690 विच हुई सी नदौण की लड़ाई, ठीक है जी। कि लड़ाई नदौण की, ये दोनों लड़ाइया किन्हां दी नेगियां? ये दोनों लड़ाइया गुरु गोबिंद सिंह की लड़ाइया ने, ठीक है जी। किन्हां दी लड़ाइया नेगियां? गुरु गोबिंद सिंह जी ने, नोट करो। तो गुरु गोबिंद सिंह लड़ाइयों आप किस तरह याद कर सकते हैं? भी गुरु गोबिंद सिंह की लड़ाइयों आप दो भागों में वंड सकते हैं, किहड़े किहड़े? 1699 तो पहला दी लड़ाइयां ते 1699 तो बाद दी लड़ाइयां, ठीक है जी। जां कह सकदे होगे खालसा पंथ की साजना तो पहला दी लड़ाइयां ते खालसा पंथ की साजना तो बाद दी लड़ाइयां, ठीक है जी। कदों हुई सी खालसा पंथ की साजना? 1699 विच हुई सीगी। ते जिहड़ियां आह दो लड़ाइयां नेगियां इह खालसा पंथ की साजना तो पहला दी लड़ाइयां ने, ठीक है जी। सिर्फ दो ही याद रखनियां नेगियां खालसा पंथ की साजना तो पहला दी लड़ाइयां, ठीक है जी। एक भंगाणी दी लड़ाई ते 2 साल दा गैप आ के नदौण दी लड़ाई, ठीक है जी। इह दो याद रखियो, इह हैगियां ने खालसा पंथ की साजना तो पहला दी लड़ाइयां। हुण आपां पढ़ांगे अगे खालसा पंथ की साजना तो बाद दी लड़ाइयां। तां प्रश्न नंबर 2 देखो जी, आनंदपुर साहब का पहला युद्ध कदों होया? हाँ जी, आनंदपुर साहब का पहला युद्ध होया सीगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, 1701 विच होया सी, ठीक है जी। तो 1702 विच होईयां सी लड़ाइयां, एक नमरोह की लड़ाई हुई सीगी, एक नमरोह की हुई सी ते एक हुई सीगी बसौली की। हाँ, एक हुई सी बसौली की, ठीक है जी। तो 1704 विच एक लड़ाई हुई सी साही टिब्बी की, एक साही टिब्बी की लड़ाई हुई सीगी, तो एक अपनी चमकौर साहब की लड़ाई, ठीक है जी। तो एक होया सी अपना आनंदपुर साहब का दूजा युद्ध कदों होया सीगा? 1704 विच, ठीक है जी, ये भी नोट करियो। तो 1705 विच हुई सी खिदराणी की लड़ाई, ठीक है जी। अजकल की कहें आगे? अजकल मुक्तसर कहें, ठीक है जी। तो नोट करियो, इतने अपनी कंप्लीट हो गई गुरु गोबिंद सिंह की लड़ाइया, ठीक है जी। इतने सारिया कंप्लीट हो गई, बस एक याद रखियो भी गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कदों होया सीगा? 1666 विच, ते ज्योति जोत समाए सन 1708 विच, ठीक है जी। ये याद रखियो, तो इतने अपनी सारिया लड़ाइया कंप्लीट हो गई गुरु गोबिंद सिंह जी दियाँ। हुण आपां अगे पढ़ांगे महाराजा रणजीत सिंह की लड़ाइया। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 3 देखो, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर ते जित कदों प्राप्त की? हाँ जी, लाहौर जितया सीगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, 1799 विच, ठीक है जी। तो 1805 विच महाराजा रणजीत सिंह ने जितया सीगा अमृतसर नू। किनू? अमृतसर नू। एक माई सुखना सीगी उहदे कोलों जितया सी अमृतसर, ये नोट करियो। माई सुखना सी एक विधवा औरत सीगी, ठीक है जी, राजे की, उहदे कोलों जितया सीगा। तो 1807 विच किनू जितया सीगा? कसूर अते झंग नू। किनू जितया सीगा? कसूर अते झंग नू, ठीक है जी। ये भी नोट करो, सारिया नोट करी जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1808 विच किनू जितया सीगा? 1808 विच जितया सीगा सियालकोट नू। किनू जितया सीगा? सियालकोट नू। कितों जितया सीगा? ये जितया सीगा जीवन सिंह तो, ये नोट करियो। कितों जितया सीगा? जीवन सिंह तो, ठीक है जी। एक बार होर नोट करियो, 1799 विच महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर नू जितया सी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा। तो 1805 विच किनू जितया सीगा? अमृतसर नू जितया सी, ठीक है जी, माई सुखना कोलों। तो 1807 विच जितया सी कसूर अते झंग नू। तो 1808 विच किनू जितया सीगा? सियालकोट नू जितया सीगा। कितों कोल? किहदे कोलों? जीवन सिंह कोलों, ठीक है जी। ये सारियां गल्लां नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगियां। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 4 देखो, महाराजा रणजीत सिंह ने अटक नू कदों जितया? हाँ जी, अटक नू जितया सीगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, 1813 विच। किहदे कोलों जितया सीगा? ये जितया सीगा जुनाहद खान कोलों। किहदे कोलों? जुनाहद खान कोलों। जुनाहद खान कोलों जितया सी, नोट करियो। तो 1818 विच जितया सीगा मुल्तान नू। हाँ, मुल्तान नू जितया सी, नोट करियो। ये किहदे कोलों जितया सीगा? ये जितया सीगा मुजफ्फर खान कोलों। किहदे कोलों? मुजफ्फर खान कोलों। ये भी नोट करी आयो।
ते 1819 की जितया सीगा 1819 कश्मीर नू जितया सीगा किनू जितया सीगा कश्मीर नू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा किदे कोलों जाबर खान कोलों किदे कोलों जाबर खान कोलों ठीक है जी ये भी नोट करियो ते 1834 जितया सीगा पेशावर नू ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा 1834 पेशावर नू जितया सीगा किदे कोलों आजम खान कोलों आजम खान कोल जितया सी ठीक है जी ये नोट करियो एक बार होर नोट करो 1813 जितया सीगा की अटक नू जितया सीगा किदे कोलों जिनाहद खान कोलों ते 1818 मुल्तान नू जितया सीगा मुजफ्फर खान कोलों ते 1819 कश्मीर जितया सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा जाबर खान कोलों ते 1834 पेशावर नू जितया सीगा आजम खान कोलों ठीक है जी ये सारियां नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी प्रश्न नंबर 5 देखो महाराज जीत सिंह ने राजा संसार चंद कटौच नू कदों हराया। हाँ जी राजा संसार चंद कटौच नू हराया सीगा ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा 1809 हराया सी ठीक है जी। तो देखो भी 1809 हराया सीगा इलाका जितया सी उदो किहड़ा कांगड़े दा कांगड़े दा इलाका जित लिया सी ये नोट करियो कांगड़ा जितया जी 1809 ते इत्थे अपनी कंप्लीट हो गई महाराज जीत सिंह दे जित्तां ठीक है जी। तो एक नोट करियो होर गल 1809 एक महाराज जीत सिंह अते अंग्रेजां विचकार संधि होई सीगी किहड़ी संधि अमृतसर दी संधि ठीक है जी ट्रिटी ऑफ अमृतसर ये भी नोट करियो अमृतसर दी संधि होई सीगी संधि विच है की सीगा महाराज जीत सिंह ने अंग्रेजों को कहा सीगा भी सतलुज दरिया पार करके मेरे इलाके विच कोई टंग नहीं डामोगे तो अंग्रेजों ने कहा सीगा महाराज जीत सिंह नू भी सतलुज दरिया उपरों तू अपनी फौज घट करेगा ठीक है जी। तो आह संधि हुई सी बस ये नोट करो तो इतने अपने कंप्लीट हो गई महाराज जीत सिंह दे जित्तां हुण आपां अगे पढ़ांगे पहले सिख एंग्लोज दी लड़ाई ठीक है जी। प्रश्न नंबर 6 देखो मुदकी की लड़ाई कदों हुई। हाँ जी मुदकी की लड़ाई हुई सी अपनी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा 18 दिसंबर 1845 हुई सी ठीक है जी। इतने लाल सिंह सीगा लाल सिंह ने सिख फौज की अगवाई की ठीक है जी किने की सी लाल सिंह ने ते तीन दिन बाद 21 दिसंबर 1845 लड़ाई हुई सी कि फिरोजशहर की कि लड़ाई हुई सी फिरोजशहर की यह भी नोट करो ठीक है जी। इतने सिख फौज की हार हो गई सी हार का की कारण सीगा हार का कारण सीगा लाल सिंह लाल सिंह ने धोखा दिता सीगा जिहड़ा अगवाई करता सीगा सिखां दी इन्हें अंग्रेजों का साथ दिता सी ठीक है जी इस करके सिख फौज की हार हो गई सी। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी प्रश्न नंबर 7 देखो 21 जनवरी 1847 कि लड़ाई हुई। हाँ जी 21 जनवरी 1847 लड़ाई हुई सी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा बद्दोवाल की लड़ाई ठीक है जी। इतने रणजोत सिंह सीगा रणजोत सिंह जिन्हें सिखा की अगवाई की सी तो इतने सिखा की हुई सी जित हुई सी ठीक है जी। इतने सिखा की जित हुई सी तो 7 दिन बाद 1846 अलीवाल की लड़ाई हुई सी ठीक है जी। 28 जनवरी 1846 अलीवाल की लड़ाई हुई सी हैनरी स्मिथ सीगा उन्हें धोखे नाल सिख फौज उपर हमला करता सीगा जिस करके इतने सिखा नू हार का सामना करना पाया सी ठीक है जी। तो सभराओ की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गई ये कदों हुई सी ये हुई सी 10 फरवरी ज़्यादा फर्क नहीं है लड़ाइयों में ठीक है जी नोट करो इस तरह थोड़े जल्दी जल्द हो सकती है मैं इस तरह लिखा इन्हों सारे 10 फरवरी 1846 हुई सी सभराओ की लड़ाई ये सिख फौज की हार हुई सी पर साम सिंह अटारी वाला बहुत ही बहादुरी नाल लड़े सीगे कौन साम सिंह अटारी वाला ये नोट करो ये शहीदी प्राप्त कर गए सीगे बहुत ही बहादुरी नाल लड़े सीगे ये भी प्रश्न आता साम सिंह अटारी वाला कदों शहीद होए सीगे ये सभराओ की लड़ाई में शहीद होए सी ठीक है जी। साम सिंह अटारी वाला बहुत ही बहादुरी नाल लड़े सीगे अंग्रेज़ फौज का बहुत ही नुकसान किया सीगा ये नोट करो आ सारियां लड़ाइयां नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी प्रश्न नंबर 8 देखो पहला सिख एंग्लो युद्ध कदों तो कदों तक होया। हाँ जी पहला सिख एंग्लो युद्ध होया सीगा ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा 1845 से 1846 तक तो दूजा कदों होया सीगा दूजा होया सी 1848 से 1849 तक ठीक है जी। जिहड़ा आपां उपर पढ़ के हटेंगे इत उपर सारियां लड़ाइयां कंप्लीट हो गई पहले सिख एंग्लो युद्ध दियाँ हुण आपां अगे पढ़ांगे दूसरा सिख एंग्लो युद्ध ठीक है जी ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी प्रश्न नंबर 9 देखो रामनगर की लड़ाई कदों हुई। हाँ जी रामनगर की लड़ाई हुई सी ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा 22 नवंबर 1848 ठीक है जी। इतने अंग्रेज़ों की बहुत ही बुरी हार हुई सी अंग्रेज़ों की हार हुई सी ठीक है जी नोट करो। इतने सिखा की अगवाई किने की सी सिखा की अगवाई की सी शेर सिंह ने शेर सिंह अटारी वाला ठीक है जी शेर सिंह अटारी वाले ने अगवाई की सी इतने सिख अंग्रेज़ों की हार हुई सी तो सिख फौज की जित हुई सी ठीक है जी नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी प्रश्न नंबर 10 देखो चिल्लियांवाला की लड़ाई कदों हुई। हाँ जी चिल्लियांवाला की लड़ाई हुई सी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा 13 जनवरी 1849 हुई सी ठीक है जी। तो इतने भी अंग्रेज़ों की हार हुई सी की हुई सी अंग्रेज़ों की हार हुई सी नोट करो अंग्रेज़ों की हार हुई सी तो सिख फौज की जित हुई सी
ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇਖੋ, 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇਖੋ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 1851 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ 1851 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇਖੋ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 1879 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1873 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ? 1873 ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 1879 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1873 ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਮਹੰਤ 200 ਸਾਲ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੇਖੋ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੰਜ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ? ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਲਗਾਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰ, ਬੱਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਸ਼ੇਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੰਜ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 1699 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ